गुड मॉर्निंग एवरीवन. टुडे गोइंग टू द स्टार्ट जीके सब्जेक्ट्स. माय सेल्फ इज सूर्यवंशी ललिता फ्रॉम यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल आवरा शाहजनी, क्लास थर्ड स्टैंडर्ड, लेसन नंबर फर्स्ट और एनिमल फ्रेंड्स. लेसन नंबर फर्स्ट है, उसका नाम है एनिमल फ्रेंड्स. आज हमें जीके के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन रहती है इस लेसन में से आज हमें देखना है. जीके मतलब क्या होता है? जीके मतलब ऑल वर्ड्स की इन्फॉर्मेशन रहती है. और जीके में जो है एनिमल फ्रेंड्स, डोमेस्टिक, उसके बाद डोमेस्टिक एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स, फ्लावर्स नेम, उसके बाद वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन जो भी कुछ रहती है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, फर्स्ट वुमेन, ये जो है इस लेसन में से, इस सब्जेक्ट्स में से हमें जानना है और पहचानना है कौन से एनिमल्स कैसे रहते हैं, कौन से एनिमल्स कहाँ पे रहते हैं. ये जो लेसन है, ये जो सब्जेक्ट है वो बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है. और ये जो लेसन है, ये भी लेसन बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है. और इसके बारे में आज हमें, एनिमल फ्रेंड्स के बारे में आज हमें जानना है. एनिमल फ्रेंड्स मतलब क्या होते हैं? एनिमल फ्रेंड्स मतलब कौन से होते हैं? देखो फर्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नेम द एनिमल फ्रेंड्स. Name the animal friends. Animal friends कौन से है? नीचे दे रहे हैं हम. First one है कोला, second one, तो ये है animal friends. वो animal friends अब क्या क्या है देखो. First number है कोला. वो कोला के बारे में आज जानना है. देखो, अ स्मॉल बियर लाइक ट्री ड्यूलिंग हेजुअस एनिमल्स बट इट इज नॉट बियर एट ऑल, इट इज नेटिव टू ऑस्ट्रेलिया. ये देखो कोला जो है एक एनिमल है, वो एनिमल एक छोटा भालू जैसा पेड़ पर रहने वाला ये एक एनिमल है. और लेकिन यह बिल्कुल भी भालू जैसा नहीं है. यह एनिमल ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला एक एनिमल है. और ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला एक मूल, वहां का एक मूल निवासी है. बट वो बिल्कुल भी भालू जैसा नहीं है. यह एक छोटा भालू जैसा पेड़ पर रहने वाला एक जानवर है. वो एक एनिमल फ्रेंड्स है. यह बिल्कुल भी भालू नहीं है. यह ऑस्ट्रेलिया का एक प्रॉपर रहने वाला निवासी है. सेकेंड वन देखो कौन सा है? कांगारू. सेकेंड वन कांगारू है. वो देखो, एन ऑस्ट्रेलियन एनिमल्स विथ वेरी पावरफुल हाइट लेग्स एंड कैन जंप वेरी हाई, इट कांट वॉक बैकवर्ड. वो एक ऐसा एनिमल है, वो बहुत शक्तिशाली पैरों पर रहने वाला एक ऑस्ट्रेलियन एनिमल है. और वो एनिमल जो है वो बहुत ऊंचे से छलांग लेता है. जैसे कैसे चित्ता कैसे छलांग लेता है, वैसे ही सेम कांगारू वो एक छलांग लेता है. और वो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो एक ऐसा एनिमल है, सब एनिमल्स बैक साइड भी चल सकते हैं और फ्रंट साइड भी चल सकते हैं. बट ये एनिमल्स जो है वो एनिमल्स वह यह बैक और नहीं चल सकता, बैक की ओर नहीं चल सकता, वो फ्रंट की ओर चलता है. वो बैक साइड नहीं चल सकता, वो फ्रंट साइड चलता है. वो एक कांगारू ऐसा एनिमल है. और थर्ड नंबर देखो कौन सा है? हेडग्यूस. वो एनिमल कैसा है देखेंगे. अ स्पाइन मैमल विथ 500 टू 7000 स्पाइन्स ऑन इट्स बैक एंड साइड्स,
देखो 500 से 7000 स्पाइंस वाला एक स्पाइन स्तनपाई एनिमल है, और जो अपनी पीठ और बाजू पर चलने वाला वह एक एनिमल है। पीठ और बाजू पर चलने वाला एनिमल है, जैसे कि हमारे पीठ की साइड है, इसके इधर के साइड पे और इधर के साइड पर चलने वाला यह एक एनिमल है। जैसे कि हम आम लोग जानवर कैसे चलते हैं, पैरों के ऊपर चलते हैं, बट यह एक एनिमल है, यह एनिमल ऐसे पीठ की ओर साइड से चलने वाला एनिमल है। देखो एट द अप्रोच द डेंजर इट्स रोल इनटू अ बॉल। देखो खतरों के दृष्टिकोण से यह एक गेंद में लुटकते हुए चलता है। यह एनिमल ऐसे लुटकते हुए चलने वाला एनिमल है। जैसे सभी एनिमल्स पैरों के ऊपर चल सकते हैं, बट यह एनिमल एक ऐसा एनिमल है, वह एनिमल ऐसे लुटकते हुए चलने वाला एक एनिमल है। फोर्थ नंबर देखो गोरिला। देखो क्या है वो एक एनिमल, असोशियल मैमल, एक्टिव ड्यूरिंग द डे, एक सामाजिक स्तनपाई जो दिन के दौरान संक्रियित रहता है। दिन के दौरान संक्रियित रहने वाला यह एनिमल है। इट लिव्स इन अ स्मॉल ग्रुप्स ऑफ 6 to 7 विथ अ मेल लीडर कॉल्ड सिल्वर बैक। यह एनिमल 6 to 7 ऐसे मंकी के टाइप के जैसे वो ग्रुप में रहने वाला, यह एक 6 to 7 के एक छोटे समूह में रहने वाला यह एक एनिमल है, जिसमें एक पुरुष नेता होता है। और जिसे सिल्वर बैक कहा जाता है, और वह एक ग्रुप का एक लीडर भी है। वह एनिमल कैसा है, 6 to 7 ऐसे ग्रुप में रहने वाला एनिमल है, और यह एनिमल जो है वो समूह बनाकर रहता है, और उसमें एक पुरुष नाम का एक नेता होता है, जैसे कि वो एक लीडर होता है, और वह लीडर जो है उसमें एक सिल्वर बैक नाम दिया जाता है। वो लीडर को सिल्वर बैक नाम दिया जाता है। देखो फिफ्थ वन, इट इज द ओनली बियर विच इज अ कार्निवर्स। इट हैज 6 व्हाइट फर ऑन द बॉडी विच ऑब्जर्व द हेड। देखो यह एनिमल कैसा है, यह एकमात्र भालू है जो एक मांसाहारी है, जिसके शरीर पर सफेद फर होते हैं। सफेद फर मतलब आप क्या है, जैसे कि शरीर के ऊपर क्या होते हैं, फर होते हैं। फर मतलब हेयर्स, जैसे कि ब्लैक हेयर्स रहते हैं, उसके ऊपर वो व्हाइट कलर के हेयर्स रहते हैं। और वो हेयर्स का हम यूज किस लिए किया जाता है, जैसे कि जो गर्मी को अवशोष करता है, और उसके बाद जो है हम समर में करते हैं कि विंटर में करते हैं वो फर का यूज, जैसे कि हम उलन का यूज कर सकते हैं। उलन किससे बनता है, फर से बनता है, व्हाइट कलर के फर से उलन बनता है, और उससे जो है वो सफेद फर जो है वो फर क्या होते हैं, उससे हम विंटर में उसका मफलर का यूज किया जाता है, स्वेटर का यूज किया जाता है, और उसके बाद जैसे कि सॉक्स का यूज किया जाता है। वो फर से ये सभी बनता है, और वो फर जो है वो फर बहुत अच्छे रहते हैं, और समर में ही उसका यूज किया जाता है, क्या नहीं तो उसका यूज विंटर में किया जाता है। तो देखो सिक्स्थ वन कौन सा है, सिक्स्थ वन है
सेकेंड नंबर है जैन पांडा, यह है सिक्स नंबर। तो देखो, अ नेटिव टू चाइना द मैमल्स हैज बैक एंड वाइट कोट, इट्स बीट इज मेड अप ऑलमोस्ट एंट्रीली ऑफ बाम्बू। देखो वो क्या है, अ नेटिव टू चाइना, वो एक चाइना का प्रॉपर रहने वाला वहां का एक निवासी है, वहां का एक निवासी है, प्रॉपर चाइना में रहने वाला वहां का एक स्तनधारी के पास काले और सफेद कोट होते हैं और यह पूरी तरह से बना है, जैसे कि वो एक एनिमल ऐसा है, जैसे कि आपके बुक में देखो आप, आपको समझ में आता है, वो एक एनिमल ऐसा है, मुंह को उसके व्हाइट कलर का है, ये है फर है और ब्लैक कलर का फर रहता है, और जो बॉडी जो है वो बॉडी को उसके व्हाइट कलर के फर रहते हैं, फर मतलब बाला भी हम बताएं, तो देखो वो व्हाइट कलर के और ऐसे जैसे कि हम कोट की डिजाइन बनाते हैं वैसे उसके आंग जो जो शरीर जो है उसके ऊपर बॉडी जो है बॉडी के ऊपर वो वैसे एक फर है, वो डिजाइन वाले फर हमें, तो वह वो एक प्रॉपर बने वाला एक एनिमल है, जैसे कि वो दिखने में वो बहुत अच्छा दिखता है और उसके जो बॉडी के ऊपर के जो फर होते हैं वो बहुत अच्छे दिखते हैं, जैसे कि हमें कोट पहने जैसा ही दिखता है। देखो टूकैन बर्ड 7th one चमेलियन, वो देखो, अ रिप्टाइल फेमस फॉर क्विक कलर चेंजिंग एबिलिटी, वो देखो एक ऐसा एनिमल है, वह एनिमल त्वरित रंग बदलने वाला एनिमल है, जैसे कि वो त्वरित रंग बदलता है क्षमताओं के लिए, वो प्रसिद्ध एक सरीसृप है, जैसे कि वो जो है वो एक हाफ एन आवर में 30 मिनट्स में 15 मिनट्स में 10 मिनट्स में वो क्या करता है, अपना जो कलर है वो चेंज करता है, अभी उसका कलर क्या है, ग्रीन कलर है, तो वो थोड़ी ही देर में वो 30 मिनट्स में 20 मिनट्स में वो रेड कलर वो होता है, उसके बाद वो येलो कलर होता है, वो त्वरित रंग बदलने वाला वो एक एनिमल है। एट वन है टूकैन बर्ड, दिस बर्ड हैज मच लॉन्गर बेक आर ऑफ्टन फाउंड इन ग्रुप कॉल्ड फ्लॉक्स, वो देखो कौन सा बर्ड है, एट वन टूकैन बर्ड, इस पक्षी की चोंच बहुत लंबी होती है और यह जो पक्षी है वो दिखने में बहुत अच्छा दिखता है, अक्सर वो झुंड नामक समूह में रहने वाला वो एक पक्षी है, झुंड नामक एक से ज्यादा रहने वाले पक्षी उसमें समूह में रहता है, ग्रुप में रहने वाला वो एक पक्षी बर्ड है, जैसे कि वो उसकी चोंच जो है वो बहुत लंबी है और वो जो पक्षी है वो समूह में रहता है, ग्रुप में रहने वाला पक्षी है और वो एक बहुत अच्छा पक्षी है। उसके बाद देखो 9th one हिप्पोपोटामस, वो हिप्पोपोटामस वो कौन सा एनिमल है, देखो अ पिग फुल 9,000 pounds एनिमल, दे किल मोर ह्यूमंस और एवरेज ईच ईयर देन ऑल अफ्रीकन एनिमल कॉम्बिनेट, यह देखो वो कैसा एनिमल है, यह एक ऐसा एनिमल है, यह एनिमल एक शांत 9,000 pounds का एक जानवर है, 9,000 pounds का एक एनिमल है और वह सभी अफ्रीकन जानवरों की तुलना में हर साल कई मनुष्य को मारता है, जैसे कि हर साल वो क्या करता है, हर साल वो एक तो एक मनुष्य को ह्यूमन को क्या करता है, वो मार देता है उसको, वो हिप्पोपोटामस बहुत डेंजर एनिमल्स है और वह एनिमल्स
9000 pounds का एनिमल है। वह एनिमल बहुत डेंजर है और वह एनिमल जो है वो अफ्रीकन जानवर अफ्रीकन एनिमल की तुलने में हर साल बोल के वह हर ईयर में वो ह्यूमन को क्या करता है, मारता है। वह एक ऐसा बहुत शक्तिशाली शांत साइलेंट रहने वाला वह एक एनिमल है। टेंथ वन देखो, टेंथ वन है कीवी बर्ड। यह है टेंथ वन कीवी बर्ड। कीवी बर्ड कौन कैसा बर्ड्स है देखो, द फ्लाइटलेस बर्ड्स हैज हियर लाइक फेदर्स, दिस इज नेटिव टू न्यूजीलैंड। यह एक ऐसा एनिमल है, यह एनिमल बहुत ऊपर से उड़ान रहित उड़ान लेने वाला वो एक एनिमल है और पंख जैसे बाल होते हैं उसके बाल जो है उसके बाल वो पंख जैसे होते हैं। यह नया उत्साह के मूल न्यूजीलैंड में रहने वाला यह एक एनिमल है और प्रॉपर न्यूजीलैंड में वो रहने वाला कीवी बर्ड है। और उसके जो पंख होते हैं, उसके जो हेयर्स होते हैं वो हेयर्स कैसे हैं, उसके हेयर्स वो पंख जैसा नहीं है, बट वो पंख नहीं है। जैसे कि उसके हेयर्स नहीं है, वो पंख है। और वो जो है वो बहुत अच्छा उड़ान रहित पक्षी है। और देखो नेक्स्ट वन जो है, नेक्स्ट वन हमें क्या है, एक पहले होमवर्क में ये क्वेश्चन लिखना है। देखो बच्चों ये लेसन हमारा ओवर हुआ है, खत्म हुआ है। तो देखो इसमें से हमें एनिमल फ्रेंड्स कैसे कैसे होते हैं, कौन से होते हैं, कहाँ पे रहने वाले एनिमल्स है, यह हमें इस लेसन में से हम सीखे हैं। तो देखो आपको ये जो क्वेश्चन है नेम द एनिमल फ्रेंड्स आपको एचडब्ल्यू में टू टाइम लिखना है। नेम द एनिमल फ्रेंड्स वो कितने फ्रेंड्स है एनिमल, तो 10 है, तो आपको ये 10 पे एनिमल फ्रेंड्स आपके एचडब्ल्यू में लिखना है। और आपकी बुक में ये जो बुक दिख रहा है इसके नीचे जो बॉक्स दिया है ये बॉक्स आपको फिलअप करना है और आपको व्हाट्सएप पर भेजना है। और सेकेंड क्वेश्चन है विच इज द मोस्ट डेंजर डेंजरस एनिमल एनिमल इन द वर्ल्ड विच इज द मोस्ट डेंजर एनिमल इन द वर्ल्ड। आपको ये भी क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन भी आपके एचडब्ल्यू के बुक में लिखना है। और इसका आंसर क्या है, पूफी। पूफिर फिश। यह जो क्वेश्चन है आपको ये जो टू क्वेश्चन आपके एचडब्ल्यू में के बुक में लिखना है आपको। डू यू अंडरस्टैंड दिस लेसन्स। और आपका जो वर्कबुक है वो वर्कबुक पूरा फिलअप कर आपके व्हाट्सएप में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आपको भेजना है। और वर्कबुक के नीचे जो एनिमल्स जो पिक्चर्स दिया है, जब होमवर्क करते हो वीडियो देखते हो तो पहले ये एनिमल्स देखना है आपको, कौन सा एनिमल्स कैसे कैसे है। और उसके नीचे जो बॉक्स दिया गया है वो बॉक्स के नीचे आप पे ये एनिमल्स के नेम्स लिखना है आपको। डू यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।